वेलकम टू स्मार्ट सेवा टेक, मायसेल्फ मामू रेम। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था डायरेक्शन सेंस के, हमने कुछ कंसेप्ट किए थे, अप्रॉक्सिमेटली हमने सारे कंसेप्ट डायरेक्शन सेंस के कर लिए। तो उसमें हमने मेन डायरेक्शंस देखी थी, कितनी थी हमारे पास मेन डायरेक्शन, हमारे पास चार थी, चार मेन डायरेक्शन थी। उसके बाद जो है चार जो थी उसके, इसको क्या बोलते, चार मेन डायरेक्शन थी हमारे पास, चार हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शन थी। और उसके बाद हमने एंगल्स देखे थे, हमारे एंगल कितने, दो डायरेक्शन के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री का बनता था। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे जो कार्डिनल एंगल थे वो बन रहे थे हमारे पास 45 डिग्री, हमारा ओवरऑल एंगल जो बन रहा था 360 डिग्री। हमने डायरेक्शन देखी थी, सो ये देखो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई मेन डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसके बाद हमारे पास ये आ गई कार्डिनल, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शन होगी। आपको मैंने बताया था इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, ये छोटे वाला जो एंगल बन, ये जो 90 डिग्री का बना रहा है और ये छोटा जो है ये 45 का बना रही है और ये पूरा ओवरऑल जो है 360 का एंगल बन रहा है। तो आप लोगों को मैंने एक और बात बताई थी कि जो है हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम क्लॉक वाइज बोलते हैं और एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास होगी मतलब राइट साइड मूवमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज होगी हमारे लेफ्ट साइड मूवमेंट। तो आज हम लास्ट का जो कंसेप्ट इसका बच रहा है शैडो केस। अब हम शैडो केस पढ़ेंगे, शैडो केस में क्या है हमारे, तो हम समझते हैं शैडो केस क्या है। शैडो केस में जो क्वेश्चन आएंगे हम समझते हैं उसको। मैं पहले सोच रहा था कि हम ये लास्ट कंसेप्ट जो है कंप्लीट करेंगे, फिर हम नया टॉपिक ले लेंगे, हम जो है आगे वाला कोई और टॉपिक पकड़ लेंगे इसको करने के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके बाद जो है ये कंसेप्ट कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज की एक वीडियो बना लेता हूँ, इसके ओवरऑल जो हमने कंसेप्ट पढ़े वो तमाम उस पर एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हम शैडो केस देख लेते हैं क्या। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था ये हमारे पास क्या बन गया, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। आप देखो शैडो इसमें दो केस होते हैं, एक मॉर्निंग का जिसको हम एएम भी बोलते हैं और इवनिंग का, ठीक है। मॉर्निंग का कंसेप्ट होता है हमारे पास और इवनिंग का जो है वो कंसेप्ट होता है। इसमें सनराइज और सनसेट का कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। इवनिंग मॉर्निंग और ये हमारे पास पीएम आ गया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं सनराइज और सनसेट। सनराइज और सन, सॉरी सनसेट, सनराइज और सनसेट का हमारे पास ये कंसेप्ट है। देखो सनराइज कहां से होता है, सनराइज हमारा होता है ईस्ट से। अगर क्वेश्चन में मॉर्निंग का टाइम, अगर मॉर्निंग उन्होंने लिखा हुआ है कि मॉर्निंग, अगर उन्होंने मॉर्निंग का कंसेप्ट लिखा या फिर सनराइज लिखा या एएम लिखा, तो आप समझ लेना कि वो सनराइज का टाइम है, मतलब मॉर्निंग का टाइम है, सनराइज का टाइम है। और सनराइज कहां से होता है, ईस्ट, सनराइज इन द ईस्ट। और हमारे पास शैडो कौन सा साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। अगर सूर्य दिन से निकलेगा शैडो इस साइड बनेगा। हम अभी ये जो इवनिंग का कंसेप्ट जो है नहीं लेते, हम लेते हैं फिलहाल मॉर्निंग का ही लेते हैं, ठीक है। मॉर्निंग का हम कंसेप्ट लेते हैं और समझते हैं। देखो हमारे पास ये आ गया सन, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, ओके। सन इधर से राइज किया, हमारे पास अगर कोई चीज इधर होगी, ठीक है, इधर होगी तो शैडो किधर बनेगा, शैडो हमारा इस साइड बनेगा। एक बात आपको समझ आ गई कि सन राइज जो है वो कहां से करेगा, ईस्ट से करेगा, और मॉर्निंग के टाइम पे जो है ये इधर होगा सन। सेकंड, अगर आपको आप बंदा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब अगर लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट है, अगर लेफ्ट मतलब वो बोल रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अमित, ले अमित जो है खड़ा है, अमित के शैडो कौन सी साइड बन रहा है, अमित के शैडो राइट साइड बन रहा है। अगर राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट है तो हम नॉर्थ और साउथ की तरफ जो है वो इंपैक्ट लेंगे, क्योंकि हम नॉर्थ और साउथ की तरफ देखेंगे कि वो नॉर्थ और साउथ पे खड़ा, इस डायरेक्शन में वो खड़ा है। अगर फ्रंटल और बैकवर्ड वाला केस हुआ तो वो इस
केस में वो खड़ा होगा ईस्ट पे, ईस्ट और वेस्ट में खड़ा होगा। अब आप लोगों को मैं डिटेल में समझाता हूँ आगे। देखो हमारे पास आगे ये मॉर्निंग का केस, मॉर्निंग का केस और लेफ्ट और राइट का केस है, मतलब फ्रंटल और बैकवर्ड हम बाद में देखेंगे, पहले मॉर्निंग का केस है और क्या बोलते हैं लेफ्ट राइट। देखो इसमें वो एक कॉन्सेप्ट है, मॉर्निंग का केस है सनराइज फ्रॉम द ईस्ट, कहां से ईस्ट, सन इधर आ गया, ठीक है। अब देखो अगर राइट और लेफ्ट है मतलब यहां पे वो खड़े एक दूसरे की तरफ फेस करके, अगर वो एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, अगर वो बोल रहा है कि वो दे आर टॉकिंग ईच अदर, फिर अगर वो एक दूसरे की तरफ फेस है उनका, तो ये घूम के ये घूम, देखो सन इधर है, देखो सन इधर है, खड़े वो इधर है, शेडो हमारा इस साइड बनेगा, इस साइड शेडो नहीं बनेगा, शेडो हमारा कौन साइड बनेगा, इस साइड बनेगा। देखो अब ये जो है अगर एम इधर खड़ा है तो एन इधर खड़ा है, देखो एम तो एम अगर इधर खड़ा है, एन इधर खड़ा है, तो एम का शेडो कौन सा साइड बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, एन का शेडो कौन सा साइड, लेफ्ट, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ये देखो ये क्लॉकवाइज है और ये हमारे पास क्या है एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये क्लॉकवाइज है ये एंटी, मैंने पहले भी समझाया था, देखो ये लेफ्ट साइड जा रहा है ये राइट साइड है, तो ये हमारे साइड राइट राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड। इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में ये देखो सूरज इधर ही है, अगर ये एक दूसरे की तरफ पीठ, इनकी एक दूसरे की तरफ पीठ है, मतलब ये एक दूसरे की तरफ इनकी जो है पीठ है, ये साउथ की तरफ देख रहा है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, मतलब तो इस केस में क्या होगा, देखो शेडो फिर यही बनेगा, शेडो ये यही बनेगा, बट एम का जो है जो राइट इधर जो राइट था ना एम का, वो एम का क्या बन जाएगा, लेफ्ट बन जाएगा, देखो ये देखो ठीक है, ये क्या बना, ये इसका लेफ्ट बन के, ये देखो ये देखो ये मूवमेंट क्या होती है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या बन गया लेफ्ट और ये हमारे पास क्या बन गया राइट, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझना, बहुत बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होती है, देखो अगर एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, तो ये इसका राइट है, देखो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, अगर वो एक दूसरे की तरफ पीठ, अगर उनकी एक दूसरे की तरफ पीठ है तो वो देखो बैक साइड है, तो ये हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है लेफ्ट है, ये किसका क्या है राइट है, समझे। अब हम देख रहे हैं इवनिंग का केस, देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब इवनिंग का केस मतलब सन सेट हो रहा है, मतलब पीएम वाला केस है सन सेट, देखो सूरज इस साइड आ गया, शेडो हमारा किस और साइड बनेगा, शेडो हमारा इस साइड बनेगा, ठीक है। अब राइट लेफ्ट का हम कंसेप्ट लेते हैं, ये देखो ये शेडो हमारा इस साइड बना, सॉरी ये ऊपर है, ये देख लो ये एक दूसरे की तरफ फेस, इनका फेस जो है एक दूसरे की तरफ है, ठीक है। अब ये हम इधर से इधर घूमते हैं, मॉर्निंग का, क्योंकि सन राइज हो रहा है, ठीक है। अब हम देख लेके इसको चलते, देखो
हमने लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट राइट का कंसेप्ट है तो ये दो इंसान इधर खड़े हैं, ठीक है, और अगर फ्रंट और बैक का है तो ये ईस्ट और वेस्ट पे खड़े हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो अगर एक बंदा खड़ा है वो इधर देख रहा है, कौन सा साइड, वेस्ट वाली साइड, देखो सूरज इधर है, शेडो मतलब इधर ही बनेगा, देखो वेस्ट साइड वो देख रहा है, वेस्ट साइड की तरफ देख रहा है, तो शेडो उसकी कौन साइड बन रहा है, बैक पे बन रहा है, उसके पीछे बन रहा है, तो ये हमारा बैकवर्ड हो गया, ठीक है। अब फ्रंटल जो होगा वो ये देखो, अगर वो ईस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है, शेडो उसका कहाँ बन रहा है, देखो अब ईस्ट की तरफ से सूरज पे ऑब्वियसली बात है शेडो इधर बनेगा, तो उसकी कौन सी साइड बन रहा है, फ्रंट साइड बन रहा है, तो ये फ्रंट हो गया, ठीक है। अब सेम केस जो है मॉर्निंग में देखते हैं, देखो मॉर्निंग का हमारे पास जो केस है, अगर वो बंदा देखो सूरज इधर है शेडो इधर बनेगा, अगर बंदा ईस्ट की तरफ देख रहा है तो शेडो कहाँ बनेगा, उसके बैक साइड पे बनेगा, और अगर वो बंदा वेस्ट की साइड देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो शेडो कहाँ पे बनेगा, उसके फ्रंट पे बनेगा। ये दो कंसेप्ट देखो, अगर फ्रंट और बैक का कंसेप्ट है तो मतलब हम इस लाइन पे आएंगे, और अगर राइट और लेफ्ट का कंसेप्ट है तो हम इस लाइन पे हम रहेंगे। अब हम आगे जो है एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अभी तीन चार क्वेश्चन करेंगे, आप उनको अच्छे से समझ आ जाएगी कैसे करेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, वन मॉर्निंग आफ्टर द सनराइज, देखो सनराइज का क्वेश्चन आ गया और मॉर्निंग का कंसेप्ट है, मतलब सूरज जो है ईस्ट की साइड से निकलेगा। ओके ये देखो सूरज निकल गया भाई। देन उसके बाद क्या बोलता है, वी आर लवली वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट टिलिक स्क्वायर इफ लवली शैडो वाज एग्जैक्टली द राइट ऑफ द रिया। देखो भाई रिया और लवली एक दूसरे से जो है बातें कर रही हैं, लड़कियां हैं तो बातें तो करेंगी, तो देखो इनने बोला है रिया और लवली जो है एक दूसरे से बात कर रही है, कैसे, उनने ये भी मेंशन किया है कि कैसे कर रही है, फेस टू फेस कर रही है और कौन लेफ्ट, फिर उनने ये भी बोला है कि शैडो जो है लेफ्ट और राइट है। देखो फेस टू फेस है मतलब ये, और लेफ्ट और राइट है मतलब हम ना तो थोड़ वाले जाएंगे। अब उन्होंने क्या बोला, देखो इफ लवली शैडो वाज एग्जैक्टली द राइट ऑफ रिया, देखो अगर लवली का शेडो जो है रिया के राइट में, तो फिर इसका मतलब रिया हमारी इधर ही होगी, ठीक है, रिया देखो इधर हो, क्योंकि ये राइट हो गया, रिया का शेडो इधर बनेगा, तो वो बोल रहा है लवली का जो शेडो है वो रिया के राइट में बन रहा है, देखो रिया इधर होगी तभी तो इसके राइट में बनेगा लवली का शेडो। उसने पूछा है विच डायरेक्शन लवली मस्ट बी, उनकी लवली कौन सी डायरेक्शन में देख रही है, देखो आप आपस में ये दोनों बात कर रही है, इसका शेडो लवली का इधर बना क्योंकि रिया हम उसने मेंशन किया हुआ है रिया के राइट साइड में बनेगा, तो रिया का राइट साइड ये हुई, तो देखो ये देखो रिया के राइट साइड इधर बनेगी ना, तो उसने ये बोला कि लवली कौन सी डायरेक्शन में देख, लवली हमारे पास नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रही है, तो करेक्ट आंसर जो हमारे पास नॉर्थ है, मतलब हमारे पास करेक्ट आंसर ए है, ए नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है वन इवनिंग बिफोर सनसेट, देखो अब इवनिंग का केस आ गया, कब है सनसेट, सनसेट आ गया भाई, सनसेट तो हो गया, ये देखो सनसेट का टाइम है, दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो है कैसे फेस टू फेस, इफ राम शैडो वाज एग्जैक्टली द राइट, देखो फिर इधर राइट लेफ्ट का कांसेप्ट आ गया, फेस टू फेस बात कर रहे हैं मतलब नॉर्थ साउथ पे रहेंगे, और कौन सी साइड में नॉर्थ और राइट लेफ्ट का कंसेप्ट है, और इसलिए हम नॉर्थ और साउथ पर रखेंगे, ईस्ट और फ्रंट और बैक होता तो हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ रखते, लेकिन वो राइट और लेफ्ट है, क्या बोल रहा है, इफ राम शेडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट, देखो बिल्कुल सिंपल है, वो बोल रहा है अगर राम का शेडो जो है वो उसके राइट साइड, देखो अब इस केस में जो है राइट हमारा कौन सा हो गया और लेफ्ट कौन सा हो गया, देखो ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉक वाइज है, ये हमारा राइट हो गया, तो ये बोल रहा है कि राम का शेडो जो उसके राइट साइड है, मतलब हमारा राम इधर खड़ा है, ठीक है, इसका राइट शेडो इस साइड बनेगा, तो वो बोल रहा है विच डायरेक्शन, उसके बाद वो बोल रहा है विच डायरेक्शन वाज गोपाल फेसिंग, गोपाल कौन सी डायरेक्शन में, देखो ऑब्वियसली बात है वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो राम अगर इधर है तो गोपाल गोपाल इधर है, तो कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है, साउथ की डायरेक्शन में देख रहा है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास साउथ, तो हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है डी साउथ। ओके अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो क्या है। अब कोशिश कीजिए कि पॉज करो इधर वीडियो और आप क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखो व्हाट मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, देखो मॉर्निंग कैसा है और सनराइज ठीक है, मतलब इधर सूरज इधर है नॉर्थ साउथ ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर मोर देन टीनेज वर स्टैंडिंग इन ए पार्क विद देयर बैकवर्ड टू बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये देखो प्रमोद और जो नीरज जो है पाथ में खड़े हैं और उनकी पीठ जो है एक दूसरे की तरफ है, बोल रहा है प्रमोद शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट राइट का कांसेप्ट है, हां मतलब इधर और बैक साइड, उनकी पीठ है एक दूसरे, वो पीठ जो है उनकी कमर है एक दूसरे की तरफ ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्रमोद है उसका शेडो जो है एग्जैक्टली टुवर्ड द लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, देखो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज शैडो इधर बनेगा लेफ्ट साइड। क्या बोल रहा है, प्रमोद का शैडो जो है उसका एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, प्रमोद का जो शैडो है उसके वो लेफ्ट साइड है। देखो प्रमोद हमारा फिर इधर खड़ा हुआ, देखो प्रमोद जो है इधर खड़ा है वो ऊपर देख रहा है, तो लेफ्ट साइड में मैंने आपको समझाया था लेफ्ट साइड ये ऐसे जो है इसका ये लेफ्ट है, तो ये प्रमोद जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो मतलब प्रमोद इधर खड़ा है, तो वो क्या बोल रहा है विच डायरेक्शन नीरज वाज फेसिंग, अगर एक दूसरे की तरफ उनकी पीठ है तो नीरज हमारा कौन सी देखो उसी डायरेक्शन में देख रहा है साउथ की डायरेक्शन में देख रहा है, ये हमारे पास राइट साइड होगी, ये हमारे पास लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज है ये क्लॉक वाइज है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा साउथ, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, सी जो है हमारे पास वो सी इज द करेक्ट आंसर। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, वन मॉर्निंग, देखो मॉर्निंग कैसा है सन इधर होगा, उर्मिला एंड विशाल आर टॉकिंग टू ईच अदर नीचे द फेस टू, अब फेस टू फेस की बात हो रही है, देखो नीचे है एट द क्रॉसिंग पॉइंट विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली द लेफ्ट, देखो लेफ्ट राइट का कांसेप्ट है, तो मतलब फेस टू फेस है और इधर खड़े हैं लेफ्ट राइट मतलब नॉर्थ साउथ। अब ये बोल रहा है कि इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला, अगर विशाल का शैडो जो है वो उर्मिला के लेफ्ट में है, तो उर्मिला हमारे पास लेफ्ट साइड कौन सी है, ये है राइट साइड कौन सी है, ये है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, तो विशाल का शैडो उर्मिला के लेफ्ट में, तो फिर उर्मिला इधर खड़ी होगी क्योंकि उर्मिला का लेफ्ट इधर है क्योंकि शैडो इधर ही बनेगी, तो विशाल का शैडो उर्मिला के लेफ्ट में बनेगा ठीक है, विशाल हमारा इधर खड़ा है, विशाल का शैडो इधर बनेगा मतलब उर्मिला के लेफ्ट में हो गया, उर्मिला का इधर लेफ्ट बन गया, देखो उर्मिला का ये लेफ्ट है, तो ये बोल रहा है इन विच डायरेक्शन उर्मिला फेसिंग, देखो आप फेस टू फेस एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उर्मिला इधर खड़ी है विशाल इधर खड़ा है, उर्मिला कौन सा साइड देख रही है, उर्मिला हमारे देख रही है हमारे नॉर्थ साइड, तो हम लिखेंगे उर्मिला फेस कर रही है किस साइड, नॉर्थ साइड, तो हमारे पास नॉर्थ जो है सी आंसर इज करेक्ट आंसर। तो हम अब सोच रहे थे कि हम ये खत्म करके आगे वाले नेक्स्ट सब यूनिट, क्योंकि ये हमारा पास ये जो हमारा लास्ट सब यूनिट सॉरी लास्ट कंसेप्ट था, हम ये करके नेक्स्ट सब यूनिट पे चलेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि हम एक वीडियो इस पे और बनाएं जिसमें हम अगर आज जो है सब तमाम जो है एमसीक्यू हो उन पे क्वेश्चंस करें जिसमें हम ताकि अच्छे से कंसेप्ट को हम समझ लें, तो हम 20-25 मिनट की वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरे कंसेप्ट जो है हम क्लियर करेंगे, जिसमें हम पूरे के पूरे एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और अगर आपको कोई भी टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है तो कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू।